मैं मेंटल नाइट से थोड़ा क्लीनिंग करके उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाना पड़ता। 90% प्रॉब्लम कहां से आते हैं? 90% कहां से आते हैं? 10 तो खोपड़े से आए, ब्रेन से आए। हर एक के अंदर ब्रेन है, हर कोई सोच रहा है, हर एक के ओपिनियन अलग अलग हैं। अब बॉस के ऊपर है वो कहां क्या इसको एक्सेप्ट करता है। अब 90% कहां से आएंगे? जो आजकल कॉमन है और जिससे हमें बचना है, ईगो हो गया। ईगो तो हो गया उसमें पहले वाले। सही, तो चेंज नहीं होना चाहते। चेंज नहीं होना चाहते और बिहेवियर। और बिहेवियर में कहां से क्योंकि टाइम नियर हो रहा है। नेक्स्ट 10 मिनट्स आई हैव टू फिनिश। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छा, और घर में भी आते हैं, भाई काम कर रही है और मैंने जोर से बोल दिया, हाई टोन ऑफ वॉइस विदाउट मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेल्टिंग इमोशन। लोग सेंसिटिव हो गए हैं। पहले जैसा नहीं रहा कि लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे, अब क्या हो गया है, लोगों का नेचर बड़ा सेंसिटिव है। ठीक भी बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम, करेक्ट भी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। बच्चों का ये आ रहा है और थोड़ा सा हाई टोन कर दिया मैंने तो प्रॉब्लम। एक सर्वे में देखा, जितना किलिंग होता है, किलिंग क्यों होता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने हाई टोन ऑफ वॉइस को यूज किया और डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया। आज के समय में हमें डिग्निटी को मेंटेन करके टोन को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। इसीलिए वोकल कार्ड भगवान ने कहां लगाया? यहां लगाया। वोकल कार्ड का डिस्टेंस हेड से हार्ट से इक्वल है। जब बोलो सोच कर बोलो, मीठा बोलो, टॉक विद थॉट, टॉक विद लव। फर्म रहो पर फ्लेक्सिबल भी रहो, इलास्टिक रहो, पर अगर कहीं भी थोड़ा टोन गुस्से वाला गया तो सामने वाला व्यक्ति आज टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए कैलकुलेटेड वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। जब मैं एमएस बना पहली बार तो मेरे सीनियर ने एक ही बात सिखाई, बोला सब कुछ सीख लेगा, बाकी चीज हम, क्योंकि हम लोग एमबीए नहीं करते मेडिकल में। अब जब एमएस बनते हैं टेक्निकल पार्ट कम होता है, ह्यूमन पार्ट ज्यादा रहता है। उसने सिखाया जब कोई भी वीआईपी भर्ती है, मीडिया वाला पूछने आ रहा है उसकी कंडीशन कैसी है, तुम्हें दो आंसर देना है, इज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल और दूसरा है नो रिस्पॉन्स। आजकल ये बढ़ गया है नो रिस्पॉन्स। अब वो पीछे ही पड़े रहते हैं। करना पड़ता है एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कैलकुलेटेड करो। डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा। टोन को थोड़ा
सॉफ्ट कर ब्रीफिंग करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, पैसिव नहीं होना है, असर्टिव होना है। एग्रेसिव हुए, रिएक्टिव हुए, सामने वाले को नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे को हो रहा है। एक मिनट का गुस्सा मेरे कोरोनरी आर्टरी को 45 मिनट्स तक कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो नुकसान किसको हुआ? मैंने गुस्सा किया, सामने वाला तो मुझे ले रहा है। और आजकल टेक्निक बहनें सिखा रही हैं, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस विद द बॉस, बॉस के सामने कैसे स्ट्रेस को कम करना, आजकल टेक्निक आ रही है। क्योंकि देखा गया एक सर्वे में, लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं, लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा कारण आया देयर नेक्स्ट बॉस, उसके कारण छोड़ते हैं। तो अब उसको कैसे टैकल करना, वो आना चाहिए। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मैं अंदर ही अंदर ब्रीद आउट कर रहा हूं, शांत रह रहा हूं। पहले सिखा रही है ना, मैं शांत रहूं, मैं अपने को कह रहा हूँ शांत सरो, और सामने वाला गुस्सा किया जा रहा है तो उसकी कोरोनरी क्या हो गई है, अल्सर होगा, एसिडिटी होगी, तो उसको ही नुकसान होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, रिएक्टिव नहीं बनना है, असर्टिव बनना है। बी असर्टिव, बी फर्म, बी पॉजिटिव, पर उसका रिस्पॉन्स हमें देना है। और लास्ट है, डिग्निटी को कभी भी हर्ट नहीं करना है। ये फंडामेंटल फैक्टर पकड़ लो, किसी की भी डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है, चाहे वो वर्कर हमारे साथ कोई भी लेवल का है, उसकी भी डिग्निटी को मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट से बात करना है, तब वो हमारे साथ चलेगा। एक सेकंड की तो प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि 2013 इंटरकनेक्टेड है, हम सभी जानते हैं वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है, और उसके कारण कुछ भी नुकसान हो सकता है, और हमारे थॉट्स ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं पूरा गेम हमारे थॉट से चल रहा है और हमारे भाग्य बना रहा है। इसीलिए कहा जाता है, यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। अब सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट कौन सा है, सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट कौन सा है जो मैं अपने को देता हूं? फियर, फियर, फियर भी कौन सा सबसे ज्यादा फियर? डर तो एक ग्रॉस है, which is the strongest fear of human life, death तो आजकल normal माने जा रही है, जब पैदा हुआ हूँ तो जाना तो है ही, पहले ही सिखा रही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जन्म होगा तो जाना भी है, वो prepaid जैसा हमारा चार्ज किया हुआ है, prepaid है, उसमें लिखा हुआ है कब जाना है, तो वो तो जाएगा ही। मैराथन में हमने देखा, उत्तराखंड में देखा, उससे कोई बच नहीं सकता। और वो जो जा चले जाता है उसको गाय का टेंशन, डर, वो तो गया, नेक्स्ट जगह गया, जन्म लिया, स्ट्रेस तो बाहर जो रह गए उनको होता है, उनको हर्ट होता है। जिंदा रहते कौन सा डर रहता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फियर। इंसल्ट भी आजकल टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना गुस्सा, उसने बोला इंसल्ट की कोई बात नहीं। फेलियर भी, कितने फेलियर को हम टॉलरेट कर सकते हैं? थॉमस एडिसन हुआ, कितने फेलियर हुए, और जितने फेलियर हुए वो चढ़ गया, हर फेलियर तो चढ़ गया, फेलियर उसको सक्सेस दिला दिया, फैक्ट्री भी चल गई उसकी, फिर भी चढ़ गया। Nothing is impossible. Nothing is impossible. ये तो पॉजिटिव हो गया।
अपन नेगेटिव पूछ रहे हैं। सोसाइटी में अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हाँ वो भी एक रहता है, फियर रहता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है हम इंडियंस के लिए। और हम लोगों की एनर्जी काफी जाती है इसमें। कल मैं बात ही कर रहा था, फियर ऑफ स्टेटस मेंटेन करना, जैसे फ्लाइट में उनको रिसीव करते हैं, उनको मुस्कुरा के करना ही पड़ता, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आई, स्टेटस को मेंटेन। पर और पावर जो हम सभी में रहता है, और स्ट्रेस का पहला कारण रहता है, शुड इट बी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सर, आए, वेरी गुड, तालियां बजाए, वेरी गुड, इन्होंने बताया, वेरी गुड, सर ने बताया अनसर्टेनिटी। सबसे बड़ा डर रहता है क्या होगा, क्या होगा, और उसी के कारण हमारे में एंजाइटी और डर आता है। और हम देखें अगर लाइफ क्या है पूरी, only certainty in the life is what uncertainty, पूरी life ही uncertain है, कब किसका क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, उसको enjoy करना है uncertainty, उसको अच्छी तरह बिताना है, खुशी को टालना नहीं है। हम क्या करते हैं, खुशी को टालते जाते हैं, क्या करते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, जब डिग्री ले लूंगा तब खुश होऊंगा, जब जॉब आ जाएगा तब खुश होऊंगा, जब शादी हो जाएगी तब खुश होऊंगा, जब बच्चा हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। हम क्या करते, खुशी को टालते जाते हैं। अब खुशी तो यहाँ है, खुशी इस समय नहीं है। Happiness is along the path, not at the end of the journey. हम लोग खुशी को इतना टाल देते हैं कि uncertainty से डरे रहते हैं। इसीलिए डरना नहीं है, खुश रहकर उसको ठीक करना। दूसरा नेगेटिव थॉट रहता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, I am not good, मैं कर नहीं सकता। उसको ठीक क्या कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। जब एग्जाम देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, कहीं भी जाओ, पहला थॉट अपने मन में लाओ, मैं कर सकता हूँ। हे मन, इस समय सब कुछ ठीक है। आप भी अपना राइट हैंड लें, दाहिना हाथ लें, दाहिना हाथ लें और अपने पीठ थपथपा दें, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आप सब कितने अच्छे हो। दिन में 3 बार अपने को एप्रिशिएट करना है, ब्यूटीफुल, आई एम यूनिक, मैं डिफरेंट हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। नहीं तो बिल गेट को देखकर मेरे को स्ट्रेस आए, मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। जो भगवान ने मुझे रोल दिया अच्छी तरह करना हो, 3 बार ऐसा करेंगे तो स्पॉन्डोलाइटिस नहीं आएगा। स्पॉन्डोलाइटिस क्यों आता है, कहीं ना कहीं हम बहुत स्टिफ हो गए हैं, कड़े हो गए हैं। स्टिफ नहीं होना है, जो चेतन भगत ने क्या कहा, डू नॉट बिकम सीरियस, बी सिंसियर, सिंसियर रहो पर सीरियस नहीं हो जाओ। उसके कारण ही बॉडी में नुकसान होता है। अब लास्ट स्लाइड दिखाता हूं, 1:30 हो गया, ऑपरा विनफ्रे, ऑपरा विनफ्रे एक अफ्रीकन फैमिली में यूएसए में पैदा हुई। जीरो था, कुछ नहीं था,
एक ब्रोकन फैमिली में पैदा हो गई और टॉप पर गई, बिलियनर बन गई। एक फैक्टर को उसने यूज किया, अपने खुद के इंट्यूशन को यूज किया।